तो यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। करहल से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर, इस वक्त बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था और आखिरकार अब लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कुछ नाम सामने आए हैं वो आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे। खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस और सपा एक तरफ उनके प्रत्याशी और गठबंधन की बात की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी की लिस्ट सामने आ चुकी है। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, आखिरकार बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। मयूर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मयूर, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है? हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर अभी फिलहाल उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी की लिस्ट का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि कल आखिरी नामांकन की तारीख भी है। तो ऐसे में 7 सीटों पर आज लिस्ट जारी कर दी गई है। कुंदरकी से राम सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, खैर से सुरेंद्र दिलेर को, इसी के साथ करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल को, कटहरी से धर्मराज निषाद को, और इसी के साथ बजुआ से सुचस्मिता मौर्या को। देखिए खास बात इसमें यह है कि जिन जिन क्षेत्र में जिन जिन जाति की आबादी, क्योंकि जातीय समीकरण भी यहाँ पे साधने का प्रयास किया गया है, और जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस कर देता है, उसी पीडीए के तहत भी प्रत्याशियों को उतारा गया। देखिए 7 में से 5 इसमें जो है सुरेंद्र दिलेर और अनुजेश यादव, दीपक पटेल, धर्मराज निषाद, सुचस्मिता मौर्या, ये सब जो है पीडीए के जो है अंतर्गत आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों का अच्छा खासा प्रभाव है। जो इनकी जाति के वोटर्स हैं वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की है। अब देखना होगा कि बाकी के जो नाम है उस पर खुलासा कब तक हुआ। बिल्कुल, यानी 7 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है बीजेपी ने। हाँ बिल्कुल, 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया है। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि कुंदरकी से राम सिंह ठाकुर को, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, खैर से जो कि अनुसूचित जाति की वहां पर सीट है उससे सुरेंद्र दिलेर को, करहल से अनुजेश यादव को, जो यादव फैक्टर समाजवादी पार्टी जिसका बात करती है, तो एक अनुजेश यादव को भी यहां पर करहल से सीट जो है सीट देने का काम किया, क्योंकि गढ़ समाजवादी पार्टी का करहल कहा जाता है। फूलपुर की बात करें तो दीपक पटेल को यहाँ पर, क्योंकि अच्छी खासी पटेल बिरादरी है, एक अच्छा खासा वहां पर वोट बैंक है कुर्मियों का, तो ऐसे में धर्मराज दीपक पटेल पर भरोसा जताया है भाजपा ने। जिस तरह कटहरी की अगर बात करें तो निषादों का वहां अच्छा खासा वर्चस्व है, हालांकि संजय निषाद वहां से अपने लिए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कटहरी से धर्मराज निषाद को वहां पर जो है प्रत्याशी बनाया है। मजुआ की बात करें तो सुचस्मिता मौर्या को भी वहां से टिकट देने का काम किया गया, तो इसमें एक महिला यानी कि सुचस्मिता मौर्या को भी टिकट दिया गया। तो महिलाओं का भी जो योगदान है उसको भी साथ में लेकर, उसको भी ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ऐसे में 7 प्रत्याशियों का जो नाम सामने आया है, अभी फिलहाल 2 के नाम आने और बाकी। मयूर, ये पूरी लिस्ट जो सामने आई है 7, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि जैसे कि निषाद पार्टी से वो मांग रहे थे टिकट, संजय निषाद, लेकिन इसमें एक निषाद प्रत्याशी भी हैं, दीपक पटेल भी एक हैं और सुचित मौर्या भी हैं, तो यानी सभी को जो उनके घटक दल हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही शायद ये लिस्ट जारी की गई है, सभी को मनाकर ही लिस्ट जारी की गई, क्या ये माना जाए? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी सभी घटक दलों के साथ में बैठकें करती है। अभी हाल ही में जो बीजेपी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद संजय निषाद से जब हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि बिना अपने घटक दलों के बैठक के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेगी। यही वजह है कि अगर किसी के मन में नाराजगी भी है तो उसको मनाने का काम किया गया। और खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग प्रभाव रखते हैं, जैसे कि धर्मराज निषाद का जिक्र हमने किया कटहरी में, वहां पर अंबेडकर नगर में अच्छी खासी आबादी निषादों की है, मछुआरों की वहां पर है। यही वजह है कि संजय निषाद भी वहां से अपना कैंडिडेट लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन मान मनोबल करके सभी को मनाया गया है। और
निषाद को ही वहां से टिकट दिया गया है, तो ऐसे में अच्छी खासे वोट बैंक है और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इसी के साथ मैंने दीपक पटेल का जिक्र किया, फूलपुर प्रयागराज की जो पूरी जो बेल्ट है वहां पर कूर्मी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो ऐसे में मयूर, ये फूलपुर सीट की अगर बात करें तो अब ये टक्कर कैसी देखी जाएगी, क्योंकि सपा ने प्रत्याशी उतारा है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और यहाँ पर जो दीपक पटेल है, ऐसे में टक्कर कैसी देखी जाए फिर? बिल्कुल, देखिए एक तरफ पूर्वी वोट बैंक है, एक तरफ जो हिंदुत्व की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी तरफ मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज से उतारा है। हालांकि अच्छा वो कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी का अच्छा चुनाव भी लड़े थे, तो ऐसे में उम्मीद समाजवादी पार्टी को ये है कि जो बात की जाती है पीडीए का नारा जो समाजवादी पार्टी दे रही है उसके तहत उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है और अच्छी खासी आबादी मुस्लिमों के भी उस क्षेत्र में है। अब देखना होगा कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि दो जातियों के बीच का यहाँ पर बात जरूर है, लेकिन जो अन्य जनता है वो किसकी तरफ जाती है, क्योंकि प्रयागराज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है मयूर, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है यूपी बीजेपी ने, प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा, उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी